प्रिय विद्यार्थियों, आजकल एक विषय पर सर्वाधिक चर्चा की जाती है, वो है ग्लोबल वार्मिंग या उष्मा उष्मीकरण। उष्मीकरण क्या है और किस प्रकार से ये चीज़ें विकसित हो रही हैं, इस विषय में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के कारण मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से विदोहन किया, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी अधिक हुआ। इस प्रदूषण के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। तापमान में वृद्धि ही उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। टेम्परेचर में जो वृद्धि है और उसका फैक्ट कारण के विषय में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, तो लेकिन मोटे मोटे चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है। तो वायुमंडल में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड आदि गैसों का घना आवरण हो गया जबरदस्त पॉल्यूशन के द्वारा। आप विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा आपसे एक चर्चा, जब कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया तो आपने देखा होगा कि प्रकृति ने, कि जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में पर्यावरण ने कितना अपने को आपस में संतुलित करती है, संतुलित किया, कि पॉल्यूशन रहित स्थिति में आकाश साफ, एयर क्वालिटी साफ, पानी साफ, पर्यावरण साफ। तो हम कितना अधिक रासायनिक पदार्थों का या रासायनिक गैसों का उत्सर्जन कर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और उसका इम्पैक्ट विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है। सबसे बड़ा उदाहरण जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग या उष्मीकरण, इसी का एक एग्जाम्पल है। तो विकास की अंधी दौड़ में हमें एक नुकसान सबसे अधिक उठाना पड़ा कि हमने पर्यावरण का हनन किया, पर्यावरण की स्थितियां हमारे सामने अधिक विकट हुई। इस कारण से धरातलीय तापमान में जो वृद्धि हो रही है और उससे एक प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसका परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस विषय वो है हम लोग देखते हैं और विभिन्न चीज़ों की स्थितियों को समझते हैं। विद्यार्थियों, हरित गृह के प्रभाव के कारण या उष्मीकरण के प्रभाव कारण ये चीज़ें हमारे सामने विकसित होती हैं। थोड़ा सा चर्चा आपके सामने हरित गृह या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसके विषय में थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको कि वायुमंडल के संगठन में CO2 एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य गैस MCO2 सूर्य की किरणों का अवशोषण करते हैं, ठीक है, अवशोषण करके ही हमको छलनी काम करके हमारे पास पृथ्वी पर भेजता है। वायुमंडल का अपेक्षित ताप तक गर्म रखने की में सहायता करती है, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इस प्रभाव में पैदा करने में CO2 के अलावा मिथेन, CFC, नाइट्रेट ऑक्साइड तथा क्षोभमंडलीय ओजोन गैस प्रमुख रूप से भूमि अपनी भूमिका को निभाती अदा करती है। यह उष्मारोधी गैस पृथ्वी को चारों ओर ढककर एक घना आवरण बना लेती है, जिससे सौर विकिरण प्रवेश तो कर सकता है परंतु वापस नहीं जा पाता। सौरिक ऊर्जा आती है लेकिन वापस भी जानी चाहिए, तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा, एनवायरमेंट बैलेंसिंग कंडीशंस में रहेगा। अब ये गैसें क्या करती हैं, उस जो पार्थिव विकिरण है, जो सूर्य पृथ्वी से निकलने वाली जो वापस विकिरण है, जो सूर्य में अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए, उनको ये रोक लेती है। इससे क्या होगा कि जब रोक लेगी तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो वायुमंडल में जब दोनों, जब औद्योगिकरण की क्रिया फलस्वरूप CO2 तथा उससे गैसों का सांद्रण बढ़ा, तो ये घटना भी देखने की ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी एवं वायुमंडल के तापमान में वृद्धि, ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघलनी शुरू हो गई,
जिससे समुद्र में जल स्तर में वृद्धि हुई और भूमंडल भूखंड समुद्र में समा सकता है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि प्रत्यक्ष रूप से तापमान वृद्धि होने से एक पूरा जो जैव चक्र है या भू रासायनिक चक्र है या पाषी तंत्र है, वो एक जिस प्रक्रिया के तहत बने हुए हैं वो विकृत होना चालू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, जिस यदि हम अभी पोषण स्तर की बात करें तो जिस पोषण स्तर को उतने तापमान ही चाहिए, अधिक होगा तो बैलेंसिंग बिगड़ेगी। बर्फ अधिक तापमान से बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो सबसी लेवल बढ़ेगा और उससे कोस्टल एरिया पर सबसे सर्वाधिक का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। तो हरित गृह प्रभावों में वृद्धि होती है और होने का कारण अभी अपन ने चर्चा करी कि CO2, मेथेन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी ये नाइट्रेट गैस हैं, ये तापमान को पृथ्वी के से निकलने वाली जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वापस फिर सूर्य वापस अंतरिक्ष में बीन होती हैं, वो निकलना उनको रोक लेती है, जिससे टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। सर्वाधिक कारण वर्तमान में हम देखें तो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसके अंतर्गत कारखानों, विद्युत गृह का परिवहन सेक्टर में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो जैविक ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर प्रतिवर्ष तापमान में वृद्धि करने में सर्वाधिक सहायक होता है, जिससे क्या है CO2 का संचय होता है जो 400 से 10 PPM मध्य, इस कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। वन जो CO2 का अत्यधिक अवशोषण करते हैं, एक प्राकृतिक बैलेंसिंग का काम करते हैं, संतुलन का काम करते हैं। अत्यधिक भूतिवादी मानसिकता और परिस्थितियों के कारण अत्यधिक वनों का काटा जा रहा है, नाश किया जा रहा है, जिससे प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 16 लाख हेक्टेयर भूमि से वन काटे जाते हैं। भारत में कुल वन राष्ट्रीय क्षेत्रफल का 19.47% है, जबकि एक पर्यावरण को बैलेंसिंग करने के लिए लगभग 33% के आसपास वन हमारे पास होने चाहिए। तो ये एक मोटे मोटे दो मेजर फैक्टर हैं जिसके विषय में मैंने आपसे चर्चा करी। ये दो मेजर फैक्टर को यदि हम एक कंट्रोलिंग वे में रखें या संतुलित वे में रखें या उनको एक रासायनिक उत्सर्जन को का प्रॉपर निस्तारण करें तो हो सकता है कि हमारे ये समस्याओं को हम लोग दूर कर सकते हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं इसके विषय में हम थोड़ा आपसे बात करें तो हरित गृह प्रभाव के कारण विश्व स्तरीय तापमान वृद्धि होगी, जिससे मानव व कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैंने बताया ना कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हिमालय पर और कृषि पर, जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है जिस तापमान में उसको उगना चाहिए, बढ़ना चाहिए और कटना चाहिए, वो बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी। तापमान वृद्धि के कारण मृदा में नमी की कमी होगी, जो एक प्राकृतिक नमी है मिट्टी में जो बनी रहती है, अति तापमान से वो नमी सूखेगी, जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा, वह पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। CO2 वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि, जिसमें बर्फ पिघल जाएगी और जिससे समुद्र में वृद्धि होगी, वह कृषि तंत्र नष्ट हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 में वृद्धि के कारण O2 की मात्रा में कमी होगी, जिससे सांस लेने में कमी होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, नेचुरली ऑक्सीजन की मात्रा में हमारी कमी होगी और एक प्राकृतिक जो जीवन जीव 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 जैविक गैस है उसकी हन कमी होने से वो जैव मंडल पर उसका प्रतिकूल प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। वायुमंडल तापमान में वृद्धि के कारण मानव में त्वचा कैंसर होगा, उससे अमेरिका में 1 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण 1,20,000 लोग कैंसर से प्रभावित हुए। अब इसके हम बचाव कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसे फैक्ट कारण है कहाँ हैं जिससे क्या है कि ये इसे रोका जा सके, तो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में भारी कमी की जाती है, चाहिए जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर ऊर्जा की शक्ति के वैकल्पिक स्रोतों की हमें खोजना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, भूमि उपयोग की वर्तमान प्रणाली में परिवहन
परिवर्तन किया जाना चाहिए चाहिए वर्तमान प्रौद्योगिकी के स्थान पर अत्यधिक दक्ष प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए। तो कहना यह है कि हमें जैव जैव जीवाश्म ऊर्जा को कम से कम प्रयोग कर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना होगा, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को, उसमें करंट को कंट्रोल कर पाएंगे। हमें हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे मैं इसमें आपको लाइफस्टाइल को भी इसमें जोड़ना चाहूँगा, लाइफस्टाइल के ही कारण से ही सारा सब चीज़ें बिगड़ रही है। हमें अत्यधिक भौतिकवादी ताकि मानसिकता से दूर होना होगा, तभी हम इस परिस्थिति से निकल सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।